वेलकम टू द पहाड़ी फैमिली व्लॉग्स। आज आपके लिए लाए हैं पनीर और शिमला मिर्च की सब्जी। सब्जी बनाने के लिए चाहिए कुछ सामग्री, इस तरीके से काट लीजिए। एक कढ़ाई लीजिए, उसे गर्म होने के लिए गैस पर रख दीजिए। उसके बाद तेल डालिए, तेल को गर्म होने दीजिए। गर्म होते ही उसमें जीरा डालिए। जीरा डालने के बाद उसे ब्राउन होने दीजिए और उसमें ब्राउन होते ही टमाटर डालिए। टमाटर को थोड़ी देर चलाएँ। चलाने के बाद उसमें आप स्वाद अनुसार नमक डालें, इससे थोड़ा गल जाएगा। उसके बाद आप उसे थोड़ा चलाएं। एक से दो मिनट के बाद आप उसमें हल्दी डालें। धनिया डालें, अब एक पैकेट आप इसमें मैगी मसाला डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। उसके बाद कस्तूरी लाल मिर्च, थोड़ा सा हरी मिर्च को सुखा के उसे कूट लीजिए और वो डालें। इसके बाद इसमें अदरक डाल लीजिए और इसे पकाने के लिए आप थोड़ी देर छोड़ दीजिए। एक से दो मिनट के बाद इसमें शिमला मिर्च डाल दीजिए। शिमला मिर्च को थोड़ी देर चलाएं। चलाने के कुछ देर बाद आप इसमें एक ढक्कन रखें और ढक्कन रख के इसको पकाएं। कुछ देर बाद आप इसको खोल के चेक करते रहें और चलाते रहें। बीच बीच में आप चलाते हैं जिससे ये नीचे ना लगे। एक से दो मिनट के बाद इसमें आप पनीर डाल दीजिए। पनीर को आप डालने के बाद थोड़ा सा चलाएं और चला के उसे थोड़ी देर खुले करके पकाएं और उसके बाद आप उसे छोड़ दें। इसे दो मिनट के बाद ये पक जाएगी। आप इसे दम देने के लिए रखें और उसके बाद सर्व करें। रोटी और रायते के साथ आप इसका मज़ा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द पहाड़ी फैमिली।